मेरे पास मेरे दे दूंगा একটু জল দিয়ে দিন। प्रचारक हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं अभी, और सात भाषाओं के जाते हैं। अरे वाह, नाम और मध्य प्रदेश आपका क्या प्रोग्राम है, थोड़ा बताएंगे मतलब क्या प्रोग्राम है आज? तो मौला बूम उठा, भगवान के दर्शन किए हैं इस्कॉन मंदिर में। हमारे राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय मेनन जी का कार्यक्रम आज अलीपुर द्वार के, जो हमारी पार्टी की यात्रा है, वो उसमें शामिल होंगे। और मैं माननीय राज्यपाल जी के साथ, जो हमारा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कूच बिहार में आज से 3 दिवसीय प्रारंभ हो रहा है, उसमें मैं शामिल रहूँगा। और कल फिर मैं जिस यात्रा में मेनन जी आए उस यात्रा में कल मैं शामिल हूँ। आप जिस प्रोग्राम में कूच बिहार में शामिल होने जा रहे हैं, उस प्रोग्राम को लेके कल थोड़ा वहाँ पे बवाल हुआ, वहाँ पे कुछ झमेला हुआ। मुझे लगता है इससे ज़्यादा और निंदनीय कोई बात नहीं हो सकती। कूच बिहार का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, राजवंशियों के की संस्कृति और उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए ये कार्यक्रम था। और ये कार्यक्रम आज तय नहीं हुआ, 1 वर्ष पहले तय हुआ। मुझे लगता है कि भगवान को सद्बुद्धि देगा, कार्यक्रम होगा, अवश्य होगा। रिपीट 14, 15, 16 तीन दिन का ये सांस्कृतिक महोत्सव है। और ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति पधारते हैं। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, जिसमें हमारे संस्कृति को मानने वाले, नृत्य करने वाले, गायन करने वाले तमाम लोगों को मंच मिलता है और राष्ट्रीय स्तर का मंच मिलता है। जिस लोग तरसते हैं इस मंच पर आने के लिए, उसके विरोध करने का कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता। आप उनसे पूछिए क्या कारण। वो लोग कह रहा है और राजबाड़ी का ऐतिह्य नष्ट हो गया, क्या हो? मुझे लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा आप भी समझते होंगे कि ऐसी बातें करनी चाहिए। वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की इमारत है, ASI मेरी ही मिनिस्ट्री में आती है, और उसके बैकग्राउंड का मतलब है कि दुनिया में लोग राजवाड़ी को देखेंगे। तो ये नुकसानदेह है कि फायदेमंद है, ये आप भी तय करिए। क्या लगता है इसके पीछे इसका पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि इसके बारे में अरविंद जी अभी बोलेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि बंगाल की पहचान संस्कृति है, उसकी सांस्कृतिक विरासत है, उसके महापुरुष हैं, और वो सब बंगाल की धरती पर पैदा हुए हैं। संस्कृति मंत्री होने के नाते मैं 5 नाम ले रहा हूँ। सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी है, वो बंगाल की धरती से आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, वो इसी पुण्य धरती से आते हैं। महर्षि अरविंद जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में आध्यात्मिकता की ऊर्जा फूंकी, वो बंगाल की धरती से आते हैं। राजा राममोहन राय
उनकी 250वीं जयंती है जिसको संस्कृति मंत्रालय मोदी जी के निर्देश पर मना रहा है, वो इसी धरती से आते हैं। प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती है। तो मुझे लगता है इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और अगर मैं शहीदों की बात करूँ तो हजारों की संख्या में शहीद बंगाल की धरती पर है, उनको मान मिले, उनको प्रतिष्ठा मिले। और मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, किसी को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए बल्कि मोदी जी को धन्यवाद करना चाहिए। कल जो कुछ भी हमें घटना घटा, इसके पीछे क्या आपको लगता है तृणमूल पीछे से कुछ ईंधन या कुछ? मुझे लगता है कि ये तो पूरा समाज देख रहा है और जनता उसका फैसला करेगी। मैं मानता हूँ किसी धार्मिक काम में व्यवधान पैदा करना, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करना, इससे ज़्यादा और निंदा का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। सर आज नमस्कार, जय हो, नमस्कार।